अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज हम मज़मून उर्दू जमात सवम की दर्सी किताब से आगाज़ करेंगे। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हमने पिछले कमरे जमात में उनवान प्यारे नबी की प्यारी बातें नज़्म पढ़ी थी। चंद अशारों का तस्किरा किया था और चंद अशारें रह गई थी। उन अशारों को आज हम इस कमरे जमात में मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। आज उन अशारों का जायज़ा लेंगे। ठीक है, आइए आज हम इन अशारों से शुरुआत करते हैं। माँ बाप, माँ और बाप का रुतबा है क्या, उस्तादों का दर्जा है क्या, नेक व बद में रिश्ता है क्या, समझाती है सारी बातें प्यारे नबी की प्यारी बातें। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन अशारों में क्या वजाहत की जा रही है कि ये उनवान प्यारे नबी की प्यारी बातें, यानी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो थे उनकी प्यारी बातों से मुताल्लुक इस उनवान में हमें वजाहत की गई है, नज़्म में वजाहत की गई है कि माँ और बाप का रुतबा है क्या। यानी कि माँ बाप का रुतबा क्या है, हम माँ बाप की खिदमत करें, उस रुतबे का किस तरीक़े से एहतराम करें, इस प्यारे नबी की बातों से हमें मालूम हो रहा है। उस्ताद का दर्जा है क्या, उस्ताद का किस तरीक़े से एहतराम करें, उनकी किस तरीक़े से खिदमत करें, उस्ताद का दर्जा किस काबिल का होता है, यह हमें किसकी बातों से मालूम होता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से मालूम होता है, जो हदीस है उससे मालूम होता है हमें। नेक व बद में रिश्ता है क्या, यानी कि नेक क्या है, बुराई क्या है, उससे हम किससे मालूम होता, किन चीज़ों से हमें वजाहत मिली, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही हमें सही और गलत का फ़ैसला करने की हमें क्या है, मतलब सही और गलत के दरमियान फ़र्क कर सकते हम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से ही हमें मालूम होता है कि सही है क्या है और गलत क्या है, उसके दरमियान फ़र्क कर सक रहे। ठीक है, नेक और बद के दरमियान फ़र्क करने का हमें कहाँ से मिला, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाए कि सही और के गलत में फ़र्क कैसा होता। समझाती है सारी बातें, ये तमाम बातें यानी कि माँ बाप का रुतबा, उस्तादों का दर्जा, नेक और बद यानी कि सही और गलत के दरमियान फ़र्क, माँ बाप की खिदमत, ये सब हमें समझाती है किसकी बातें, प्यारे नबी की प्यारी बातें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातों से हमें ये सब सीखने को मिलता है। उम्मीद है कि आप सबको आज यानी कि हमारे नज़्म प्यारे नबी की प्यारी बातों से मुताल्लुक आखिरी अशार थे ये समझ में आया होगा। अगली जमात में हम अगले उनवान के साथ आगाज़ करेंगे। आज आपका होमवर्क है, यहाँ पर इस उनवान से मुताल्लुक अल्फाज के मायने दिए गए हैं, इन अल्फाज के मायनों को यहाँ से यहाँ तक पढ़िए और अपनी किताब में, तहरीरी किताब यानी नोट्स में बग़ैर किसी गलती के तहरीर कीजिए, यानी लिखिए। जज़ाकअल्लाहु खैर।